आप देख रहे हैं नो द डांस पंजाब केसरी टीवी। खोरी गांव का मुद्दा आजकल सुर्खियों में है क्योंकि लगातार जिस तरीके से घर वहां पर तोड़े जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन पर भी प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, लेकिन अब इसको पार्लियामेंट में उठाने की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। गुप्ता साहब, आपकी तरफ से उठाने की जो है वो बात कही जा रही है। आज भी मैंने सुने काल में इसका नोटिस सभापति जी को दिया था, अभी भी बुलडोजर चल रहा है खोरी गांव के अंदर। इस बरसात के अंदर बुलडोजर चल रहा है, कोरोना के इस काल के अंदर 1.5 लाख लोगों को यहां से उजाड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको पुनर्वास करें, सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दिया कि पुनर्वास करेंगे, उसके बाद भी पुनर्वास नहीं कर रहे। यूपी बिहार के लोगों से भाजपा सरकार को नफरत है। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग भूखे रो रहे हैं वहाँ पे बैठ के। कोरोना के इस काल के अंदर ऐसा पहली बार देखा है कि हरियाणा सरकार इतना बड़ा उजाड़ रही है और पुनर्वास की करे, हाँ पुनर्वास के बाद देखेंगे करेंगे। अरे आज ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा, इसके पास तो कोई आशियाना नहीं है। ये यहाँ से कोई यूपी जाएगा, कोई बिहार जाएगा, कोई कहीं जाएगा। आप इतना जुल्म ना करें। मैं संसद में भी ये बात कहने वाला हूँ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस हमने दोबारा डायल किया है। 12 तारीख को एक अपील फाइल कराई थी जिसकी अब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार किया है और इस शुक्रवार की तारीख है उसमें। मैं समझता हूँ कि सारे केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी महत्व को देखते हुए प्रीपोन किया है। सारे जितने भी मोर केसेस डले हुए थे उन सब की डेटे भी पहले की और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ से भी इंसाफ मिलेगा और संसद में भी लगातार कोरी की आवाज़ हम उठाएंगे। लेकिन सर, लगातार खोरी के गांव का मुद्दा जो है आप उठा रहे हैं, क्या इस मामले को लेकर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात कर सकते हैं? मनोहर लाल खट्टर जी से हमने समय मांगा था, उन्होंने समय दिया नहीं। आज मैंने संसद में कृष्णमान गुज्जर जी से बात की थी, मैंने कहा था कि फरीदाबाद के अंदर जुलम हो रहा है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आवास का प्रबंध कर रहे हैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करें और जो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वहाँ पे आप आश्वासन दें लिखित में कि आप इन सबका पुनर्वास करेंगे। आप देखिए हरियाणा सरकार क्या करती है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है संसद भवन के अंदर लगातार विरोध किया जा रहा है, चाहे वो महंगाई के मुद्दे हों, चाहे वो फ़ोन टैपिंग का मुद्दा हो। क्या लगता है कि सरकार जो है जवाब देने से बच रही है? सरकार डर रही है क्योंकि जब आदमी गलत काम करता है ना उसको डरना पड़ता है। फ़ोन टैपिंग ये राजनेताओं की करा रहे हैं, बड़े अच्छे अधिकारियों की करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को मतलब ये अनैतिक काम भी है, गैरकानूनी काम भी है। अगर अनैतिक काम गैरकानूनी काम सरकार खुद करेगी तो कैसे चलेगा? आप ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का अभी तक गलत इस्तेमाल ये सरकार करती रही है। अनेकों समय इस बात पे आरोप लगे हैं। फ़ोन टेपिंग की बात है, ये आरोपी इसराइल की कंपनी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, भारत सरकार भी इस बात पर मना नहीं कर पाई है। तो ऐसे ही ये जो लगातार अनैतिक काम हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार डर रही है और सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। लेकिन सर, लगातार किसानों की आवाज़ आम आदमी पार्टी उठा रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पंजाब के सांसद हैं भगवंत मान, वो लगातार कह रहे हैं कि किसानों की जो समस्या है इसका हल होना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया है लिखित में कि जो 11 बार जो है किसानों से बातचीत हो गई है लेकिन बिल में संशोधन हो सकते हैं, वापसी की कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी और अंबानी जी के यहाँ बिक चुकी है। देश का 60% जो कृषि पे काम करने वाला, कृषि पर आश्रित रहने वाला किसान है, 8 महीने से बॉर्डर पे बैठा है, 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है, उसकी तरफ सरकार बात नहीं करना चाहती क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों को आश्वासन दे चुकी है कि देश के किसान को आपके बेच देंगे, आपका मजदूर बना देंगे। परंतु देश का किसान इस बात को समझ चुका है, जिस वोट से इस सरकार को बनाया था उसी वोट से सरकार को हटाने के तैयारी में देश का किसान है। सरकार को समझ जाना चाहिए, अभी भी वक्त है, तीनों काले कानून वापस लें और MSP की गारंटी का कानून लेकर आए। लेकिन सर, कल जिस तरीके से मानसून आया, बरसात हुई, गुड़गांव की तस्वीर सबने देखी, पानी जो है वो भर चुका था, निकलने की निकासी का कोई प्रबंध नहीं था, कैसे देखते हो आप? गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल के घरों में पानी भर गया था। गुड़गांव की सड़कें लग रही थी कि नदी बह रही है, सड़क नहीं है, नदी बह रही है। करोड़ों रुपये हर साल वहाँ के निगम
भ्रष्टाचार के खाते चढ़ा देती है और लोग डूबते रहते हैं इस मिलेनियम सिटी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर मौत हो गई सड़क पे खड्डे से गाड़ी उसके अंदर घुसने के कारण। वो मामला दिल्ली में भी था, द्वारका के सेक्टर 18 में सामने आया है कि एक गड्ढे में जो है वो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली के अंदर भी नगर निगम बीजेपी की है, भ्रष्टाचार के अड्डे वो भी चढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी वो निगम का भ्रष्टाचार सामने दिखने को मिल जाता है। परंतु लगातार जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर मैं देख रहा हूँ, पूरा हरियाणा कल जलमग्न हो गया। वो अपने आप में एक अजीब कहानी थी कि एक भी बरसात जो मिलेनियम सिटी जिनको हम कह रहे हैं वो नहीं रुक पाई। लोगों के घरों के अंदर पानी बहा और वहाँ के जो हुड्डा जो डिपार्टमेंट है, अर्बन प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है, उसकी कुर्सियाँ और मेज़ तैर रही थी पानी के अंदर। कैसी प्लानिंग वो हरियाणा के अंदर कर रहे हैं वो तो परमात्मा ही जानता है। लेकिन सर दिल्ली में भी देखने को मिला है पानी पानी, तो नहीं मैं इसको इनकार नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर बहुत बेहतर सुविधा रही है, परंतु दिल्ली के जो नगर निगम है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अधीन है और बहुत भ्रष्ट हो चुकी है, बहुत करप्ट हो चुकी है। अब दिल्ली की जनता उसको बदलने की तैयारी कर रही है ताकि जो डबल इंजन की सरकार ताकत के साथ दिल्ली का विकास कर सके। बिल्कुल, ये थे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।